सी यानी पवित्रता एवं शुद्धता का दूसरा नाम, तुलसी यानी पृथ्वी पर दैवीय गुणों को धारण किए एकमात्र पौधा, तुलसी यानी घर आंगन में सौभाग्य का प्रतीक, तुलसी मानव को ईश्वर की देन, तुलसी समस्त जन को प्रकृति का अमूल्य उपहार। यहां तक कि तुलसी की आराधना ग्रंथों में भी की गई है। ग्रंथ कहते हैं, हे तुलसी, आप संपूर्ण सौभाग्यों को बढ़ाने वाली हैं, सदा आधि व्याधि को मिटाती हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी के मूल यानी इसकी जड़ में सभी तीर्थ, मध्य में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद स्थित हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि तुलसी जैसा स्वर्गिक पौधा मानव मात्र के कल्याण हेतु इस धरती पर शोभित है। शास्त्रों में वर्णन आता है, तुलसी के द्वारा भगवान कृपा करते हैं, तुलसी के द्वारा मन में शांति आती है, तुलसी के द्वारा कष्टों की निवृत्ति होती है, ग्रहों की शांति होती है। तुलसी तो साक्षात भगवान की कृपा पाने का सुलभ साधन है। जितने भी पृथ्वी है, जितने भी पर्वत हैं, जितने भी समुद्र हैं, इनका दान करने का जो पुण्य प्राप्त होता है, उसी पुण्य की प्राप्ति मात्र एक तुलसी के दल को परमात्मा पर अर्पण करने से हो जाती है, एक तुलसी का पत्र पान करने से हो जाती है। भगवान पूर्ण रूप से कृपा करते हैं। मानव मात्र के इसी कल्याण को ध्यान में रखते हुए अब हम आपके लिए लाए हैं वैदिक अमृत, तुलसी अमृत। देखो, मैं तो सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ जो तुलसी अमृत के इतने लाभ लोगों को मिल रहे हैं और जो इन्होंने आपने इसको इतना अच्छा रिस्पांस दिया। तुलसी अमृत तो ऐसा अमृत बना दिया है, ये मंत्रों से अभिमंत्रित तो है ही है। साथ में समस्त शारीरिक बीमारी हो, मानसिक परेशानी हो, कैसे भी कष्ट क्यों ना हो, दो बूंद अगर आप तुलसी अमृत का सेवन करते हैं तो समझिए साक्षात 33 करोड़ दैव देवता की कृपा को आपने पा लिया, आनंद की प्राप्ति कर ले। जी हाँ, वैदिक अमृत तुलसी अमृत उसी पवित्र तुलसी का अर्क है जिसकी महिमा और महत्व का गुणगान न सिर्फ धर्म ग्रंथों में किया गया है, बल्कि इसकी औषधीय क्षमताओं का लोहा मानते हुए आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी और यूनानी दवाओं में भी तुलसी का किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है। वेदों में आयुर्वेद का अनुभव है, तुलसी अमृत, तुलसी अमृत। पावन तन मन जीवन का उत्सव है, तुलसी अमृत, तुलसी अमृत। वैदिक अमृत तुलसी अमृत इसी पवित्र तुलसी के अर्क से निर्मित है, इसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट है। वैदिक अमृत तुलसी अमृत सभी तरह के रक्त विकारों के उपचार में ये सहायक है, हृदय के लिए हितकारी है, ज्वर, वायु, खांसी के निवारण में ये सहायक है। वैदिक अमृत तुलसी अमृत के निरंतर सेवन से त्वचा, मांस और हड्डियों से संबंधित रोगों में भी सहायता मिलती है। तुलसी अमृत के जब सेवन करते हैं तो जो हमारी शुक्र धातु है वो उसको बढ़ाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है, और ये पेट के रोगों को ठीक करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि जो कब्ज है, गैस है, एसिडी है, जो खाना खा लेते हैं ऊपर नहीं आता, अडकार आती रहती है, खट्टापन मुंह में आता है, तो उन रोगों को ठीक करने में भी तुलसी अमृत बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। तुलसी अमृत का प्रयोग अगर प्रतिदिन हम दो दो बूंद के रूप में इस्तेमाल करते रहें तो हमारा शरीर सप्त धातुओं का पोषण करते हुए शुक्र धातु की उत्पत्ति करता रहेगा और शरीर का सौष्ठव भी बनाए रखने में सहायक साबित होगा। एक बार तुलसी अमृत का उपयोग करने पर आप जानेंगे कि घर में वैदिक अमृत तुलसी अमृत होने के कितने फायदे हैं। हमारे डॉक्टरों ने जो तुलसी अमृत का निर्माण किया है, इसका मेन मकसद यही था कि हर घर में तुलसी को लगाना संभव नहीं है, क्योंकि फ्लैट सिस्टम हो गए तो तुलसी लगाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, तो इसलिए हमने इसका निर्माण किया है कि हर आदमी को तुलसी अमृत आसानी से उपलब्ध हो जाए और इसके धार्मिक पहलुओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है।
जो तुलसी स्वयं भगवान विष्णु को प्रिय हो, उसके अलौकिक गुणों को भला कौन झुठला सकता है। तुलसी को अनेक नामों से पुकारा जाता है। परम आनंददायिनी होने के कारण इन्हें नंदिनी भी कहा गया है। इसी परम हितकारी तुलसी को वृंदा भी कहा गया है। इसी वृंदा के नाम पर श्री कृष्ण की लीला भूमि का नाम वृंदावन पड़ा। आइए हम आपको लिए चलते हैं श्री कृष्ण की प्यारी धरती वृंदावन, जहां आज भी लगता है कि कान्हा की मधुर बांसुरी गूंज रही है। वृंदावन सो बन नहीं, नंदगाम सो गाम, तुलसी दल सो दल नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। देखिए, हमारे वृंदावन में भी निधवन है, जहाँ पर श्यामा तुलसी है, तो वहाँ पर आज भी भगवान श्याम सुंदर सेवा को स्वीकार करने की रात्रि में आते हैं, महारास करते हैं और तुलसी को प्रसन्न करते हैं। तुलसी जी के साथ जो सखी रूप में हैं, उनके साथ लीला करते हैं। आज भी वहाँ पर भगवान नित्य रास करते हैं श्रीधाम वृंदावन में। जो भी धार्मिक कार्य होते हैं बगैर तुलसी के संभव नहीं हो पाते। जो आज भी कृष्ण भगवान का जो प्रसाद दिया जाता है, तुलसी का पत्ता ही दिया जाता है। तो तुलसी को जिस जिसने माना है और जिसने अपने जीवन में अपनाया है, उसने उसके लाभ अच्छे देखे हैं। शास्त्र में वर्णन आता है, रविवार के दिन और विशेषकर द्वादशी के दिन और साथ में कृष्ण पक्ष में तुलसी पत्ते अगर नहीं उतारे जाएं तो बहुत ही अच्छा रहता है। परंतु ये तुलसी अमृत ऐसा है जो शुक्ल पक्ष में, शुभ मुहूर्तों में, पुष्य नक्षत्र में और बड़ी विधि विधान के साथ इन पत्रों को उतारा जाता है। उसके बाद आयुर्वेदिक विधि के द्वारा इसका रस जो है वो निकाला जाता है। उस रस को एकत्र करके मंत्रों से मंत्रित ये आप तक पहुँचाया जाता है। इसलिए अब आप प्रत्येक दिन वैदिक अमृत तुलसी अमृत का सेवन कर सकते हैं। तुलसी अमृत के लगातार सेवन से शरीर तो रोग मुक्त होता ही है, बल्कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है एवं आपकी ग्रह दशाएं भी ठीक करने में ये सहायक है। हमारे जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं, जितने भी दुख, जितनी परेशानी होते हैं, इन ग्रहों के चक्र के द्वारा ही होती है। तुलसी अमृत से नवग्रह शांत होते हैं, भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। पद्म पुराण में लिखा है कि जहां तुलसी का एक भी पौधा होता है, वहां ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी निवास करते हैं। उसी परम पावन तुलसी का अर्क है वैदिक अमृत तुलसी अमृत। और ये बात कतई झूठ नहीं है। आप यदि एक बार तुलसी अमृत का प्रयोग आरंभ करेंगे तो फिर करते ही चले जाएंगे। जहाँ पे तुलसी लगी होती, पौधा भी लगा होता, उसकी जो विद्युत किरणें 200 मीटर तक के दायरे में रहती हैं, तो जब इसको हम ग्रहण करते हैं तो मानसिक शांति इससे मिलने लग जाती है और मानसिक जो रोग होते हैं उसको ये ठीक करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। आजकल जो 90% रोग हो रहे हैं वो मानसिक बीमारी के कारण हो रहे हैं, तो तुलसी जो अमृत है मानसिक रोगों को ठीक करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। वैदिक अमृत तुलसी अमृत जिस घर में होती है, वहां उन्नति के साथ साथ सुख शांति एवं आर्थिक समृद्धि स्वतः आ जाती है, क्योंकि इसमें परम हितैषी तुलसा जी का अर्क है। वैदिक अमृत तुलसी अमृत के नियमित सेवन से सोच में पवित्रता, मन में एकाग्रता आती है और आवेश पर नियंत्रण पाने में सहायता मिलती है। आलस्य दूर होता है और शरीर पूरे दिन स्फूर्तिमय बना रहता है। जिस प्रकार तुलसी की शक्तियां अद्वितीय हैं, उसी प्रकार इससे निकाले गए अर्क वैदिक अमृत तुलसी अमृत के गुण भी बेजोड़ हैं। तुलसी पत्तों का सार है, बूंद बूंद में गुण की गरिमा, इसके लाभ अपार है, इसके लाभ अपार है, तुलसी रस की बड़ी है महिमा। तुलसी अमृत को आप डायरेक्ट ही लगाएंगे तो आप देखेंगे खाज खुजली को ठीक करने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। दूसरा, जिनको खांसी की बीमारी रहती है या अस्थमे की बीमारी रहती है या बार बार जुखाम जिनको बन जाता है, अगर वो इसको शहद में दो बूंद डालकर तुलसी अमृत का सेवन करते हैं तो इसमें बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। खांसी में, अस्थमे में और जो सांस की जो बीमारी होती है उसमें तुलसी अमृत का जो सेवन है बहुत ही सहायक सिद्ध होता है।
वैदिक अमृत तुलसी अमृत पवित्र तो है ही, साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये उपयुक्त है। ये गुणवत्ता में बेहतर है, शुद्ध है। जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो उसके जो है उपयोगिता के बारे में जो बताया गया आचार्यों द्वारा, वो मॉडर्न साइंस ने भी इसको कोरिलेट करके ये इस्टेब्लिश कर दिया कि जो है तुलसी वैज्ञानिक आधार पर भी निरापद यौन उपयोगी है, और वैसे शास्त्रों का इस पर अपना कोई दुविधा नहीं है, एक मत ही है कि ये इससे बड़ी कोई अद्वितीय औषधि नहीं है। जो अमला पहले बताते थे वो अमेरिका ने अब रिसर्च करके बता दिए कि वाकई में ये बहुत ही लाभदायक है, और अब तो पीछे पेपरों में भी आपने पढ़ा होगा कि तुलसी को जो अमेरिका में रिसर्च हुआ है कि कई रोगों में ये बहुत ही अच्छा लाभ देती है। यही कारण है कि वैदिक अमृत तुलसी अमृत ISO द्वारा प्रमाणित भी है। वैदिक अमृत तुलसी अमृत गुणकारी तो है ही, साथ ही ये बेहतर गुणवत्ता की गारंटी भी देता है। तुलसी तराई क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में खास तौर से जो उगाई जाती है पॉल्यूशन फ्री जोन से, उसको कलेक्ट करके हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर के लिए, जिसमें क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के जो चेक नॉर्म्स हैं उस मेथड को रखते हुए एक्सट्रैक्शन विधि का यूज़ करके कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट के रूप में प्राप्त कर जनमानस के लिए सर्वसुलभ और उपयोगी बनाया गया है। अगर तुलसी अमृत का सेवन गर्म पानी के साथ दो दो बूंद सेवन करते हैं, जो अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, एक तो उनसे उनका छुटकारा मिलेगा, उनसे उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे, और तुलसी अमृत उनकी जो वायु बढ़ जाती है शरीर में, वायु का नाश करने में सहायक होती है। इसलिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर अभी फोन कीजिए और मंगवाइए परम गुणकारी वैदिक अमृत तुलसी अमृत। बेटी में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, पर कोई ढंग का लड़का ही नहीं मिलता था, और अगर बहुत दौड़ भाग के बाद कोई लड़का मिल भी जाता था तो बात ही नहीं बनती थी। बहुत से अच्छे रिश्ते हाथ से निकल गए। बहुत चिंता होने लगी थी मुझे, बेटी बहुत नेगेटिव सोचने लगी थी। फिर मैंने तुलसी विवाह करवाया और इसके लिए तुलसी अमृत ला कर दिया। इसने लिया और अब 3 महीने बाद शादी है, बस उसी की तैयारी में लगे हुए हैं हम लोग। मानसिक परेशानी हो, आर्थिक परेशानी हो, शारीरिक परेशानी हो, शादी में रुकावट हो, मांगलिक दोष हो, चंडाल दोष, कैसे भी दोष क्यों ना हो, तुलसी अमृत जो है इसके 2 बूंद ही आपके जीवन में आनंद की प्राप्ति कर देंगे। इसलिए आप स्क्रीन पर आ रहे फोन नंबर्स पर फोन करके अभी वैदिक अमृत तुलसी अमृत ऑर्डर करें। तो घर में सब कुछ है, पर फिर भी छोटी छोटी बातों पे मैं चिड़चिड़ा जाती थी। ये भी बहुत परेशान हो गए थे, ऐसे मुझे कुछ कहते नहीं थे, पर फिर भी मुझसे कतराने लगे। किसी भी बात पे गुस्सा आ जाना, फिर बाद में खुद ही पछताना। महीने में एक आध बार ऐसा हो ही जाता था। दवा तो कोई तब करे जब कोई रोग समझ में आए। साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के बारे में भी सोच लिया था, लेकिन तभी तुलसी अमृत मिला। तब से लगातार ले रही हूँ और अब सब ठीक है। औषधीय गुणों से परिपूर्ण पौराणिक काल से प्रसिद्ध पतित पावन तुलसी के अर्क वैदिक अमृत तुलसी अमृत के सेवन से अनेक बीमारियों में सहायक है। इसलिए आप स्क्रीन पर आ रहे फोन नंबर्स पर फोन करके अभी वैदिक अमृत तुलसी अमृत ऑर्डर करें और अपने जीवन को सुख समृद्धि और स्वास्थ्य से परिपूर्ण करें। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती या जिनकी ग्रोथ रुक जाती है, तुलसी अमृत की 2-2 बूंद चकुंदर गाजर टमाटर के जूस के साथ या दूध के साथ या शहद के साथ सेवन करते हैं तो उनकी लंबाई बढ़ाने में तुलसी अमृत सहायक सिद्ध होती है। हमारा जो तुलसी अमृत है, यदि नियमित रूप से यदि 1 चम्मच शहद में डाल के 1 बूंद सुबह शाम लिया जाए तो इनहेलर और पफ के रोगियों और सांस के रोगियों में ये सहायक सिद्ध होगा। वैदिक अमृत तुलसी अमृत एक ऐसी औषधि है जो कई प्रकार की बीमारियों में काम आती है, जैसे स्मरण शक्ति, हृदय रोग, श्वास के रोग, दमा, खून की कमी, खांसी, जुकाम, दंत रोग आदि में ये सहायक है। एज ए डेंटिस्ट मैं यही सलाह दूंगा कि तुलसी अमृत का आप रोज सेवन करें, क्योंकि तुलसी अमृत
पेट की बीमारियों के लिए बहुत अच्छी सहायक सिद्ध हुई है। पेट की बीमारियों से ही डेंटल पे बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर आपका पेट ख़राब है तो उससे पायरिया लगना, बदबू आना, सेंसिटिव होना दांत का, तो पेट जहाँ ठीक होगा वहाँ दांत ठीक होंगे। इसलिए आप स्क्रीन पर आ रहे फोन नंबर्स पर फोन करके अभी वैदिक अमृत तुलसी अमृत ऑर्डर करें और अपने जीवन को सुख समृद्धि और स्वास्थ्य से परिपूर्ण करें। मेरा बेटा शैतान तो बहुत था, अब भी है, और ये कुछ भी याद नहीं रख पाता था। बहुत बादाम खिलाए पर उसका कुछ असर नहीं हुआ। असल में इसका ध्यान बदमाशियों की तरफ कुछ ज्यादा रहता था और ये कभी भी अंदर से पढ़ाई के लिए तैयार नहीं हो पाता था। फिर मैंने इसको तुलसी अमृत की दो बूंदें रोज देनी शुरू करी, डेली, और उसका इस पर इतना बढ़िया असर हुआ कि पढ़ने लग गया, इसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ गया। शरारत तो ये अब भी करता है पर पढ़ता भी है। बच्चों की जो मेमोरी पावर कमजोर हो जाती है, जो बच्चों की हाइट रुक जाती है क्योंकि उनकी लंबाई नहीं बढ़ पाती है, तो ये शारीरिक विकास करने में तुलसी अमृत बहुत ही सहायक सिद्ध होती है, जिससे बच्चों की लंबाई में, जो याददाश्त में, उनको बढ़ाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। बच्चों की आम बीमारियों जैसे सर्दी, बुखार आदि में वैदिक अमृत तुलसी अमृत सहायक है। वैदिक अमृत तुलसी अमृत का नियमित सेवन आंखों के दर्द, जो सामान्यतः विटामिन ए की कमी से होता है, उसमें भी सहायक है। तुलसी एक गुण अनेक। तुलसी अमृत एक उत्तम रसायन है, एडाप्टोजेनिक प्रोडक्ट है। इसके निरंतर सेवन से हम अनेक प्रकार के रोगों से अपनी रक्षा सुरक्षा कर सकते हैं। धूल के कणों को गिना जा सकता है, घास के तिनकों को गिना जा सकता है, परंतु तुलसी अमृत के गुणों को गिना नहीं जा सकता। दो बूंद तुलसी अमृत की लेकर देखें और फिर आपको अनुभव होगा कि कैसे भगवान की कृपा बरसती है, कैसे आनंद की प्राप्ति होती है और कैसे समस्त देव, समस्त ग्रह आपके प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई गरीब आदमी है जो ना ले सकता, मेरे पास आ जाए, फ्री ले जाए, कोई चिंता नहीं हमें, लेकिन अपने जीवन से बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करे और सस्ते के चक्कर में ना रहे, ओरिजिनल तुलसी अमृत ही मंगाए, वैदिक अमृत तुलसी अमृत देख कर ही ले, वरना अन्यथा ना ले और बिल्कुल भी डुप्लीकेट को बढ़ावा ना दे। मेरा आपसे यही नरम निवेदन है। यूनानी चिकित्सा पद्धति के मुताबिक तुलसी में बीमारियों को ठीक करने की जबरदस्त क्षमता है। उसी तुलसी का अर्क है वैदिक अमृत तुलसी अमृत। अपनी भावनाओं और विश्वास को साथ जोड़कर एक बार आप वैदिक अमृत तुलसी अमृत का प्रयोग अवश्य करें। ये झूठ नहीं है। आप कुछ ही समय के बाद अपने जीवन एवं अपने स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों को देख पाएंगे। इसमें शक्ति समाहित है, ये गुणकारी विकार नाशक तुलसी भक्ति समाहित है। इसलिए आप स्क्रीन पर आ रहे फोन नंबर्स पर फोन करके अभी वैदिक अमृत तुलसी अमृत ऑर्डर करें। वैदिक अमृत तुलसी अमृत का मूल्य है मात्र 1500 रुपए। तुलसी अमृत को अपना कर ये जीवन स्वस्थ बना लो। तुलसी के सब गुण अपने भीतर समा लो। अमृत तुलसी अमृत।